और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीतापुर नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया है। सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है। बता दें कि तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक वैन पर पलट गया है, जिसकी वजह से कई लोगों के वैन में फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। इटौजा के टिकारी गांव के पास यह हादसा हुआ है, जहां पर यह ट्रक अनियंत्रित होकर एक वैन के ऊपर जाकर पलट गया है, जिसकी वजह से कई लोग वैन में फंसे हुए हैं। इस वक्त फिलहाल पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस सभी को घायलों को वहां से बाहर निकालने की कोशिश में जुटी है। लखनऊ के सीतापुर नेशनल हाईवे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक दर्दनाक हादसा हो गया है। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही अभी भी वैन में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और लगातार पुलिस की तरफ से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। और ग्लोबल इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने गुरुवार को नए इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के अनुपालन में अपनी पहली मासिक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसे आईटी नियम 2021 भी कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने 15 मई से 15 जून 2021 तक भारत इस 30 दिनों की अवधि के दौरान कुल 2 मिलियन भारतीय अकाउंट्स पर बैन लगा दिया गया है, जबकि इस अवधि के दौरान उसे कुल 345 रिपोर्ट ही मिली। ऐसे में प्लेटफॉर्म दुनिया भर में एक महीने में लगभग 8 मिलियन अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहा है। व्हाट्सएप ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि हमारा मुख्य ध्यान खातों पर बड़े पैमाने पर हानिकारक या फिर अवांछित संदेश भेजने से रोकना है। हम ऊंची या फिर असामान्य दर से मैसेज भेजने वाले इन खातों की पहचान करने के लिए उन्नत क्षमताओं को बनाए हुए हैं, और अकेले भारत में 15 मई से लेकर 15 जून तक इस तरह के दुरुपयोग की कोशिश करने वाले 20 लाख खातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी व्हाट्सएप अकाउंट जो कि +91 से शुरू होने वाले नंबर के साथ रजिस्टर है, उसे प्लेटफॉर्म पर भारतीय अकाउंट माना जाता है। जिन 2 मिलियन भारतीय अकाउंट्स पर इसने बैन लगाया है, उसमें आपको बता दें कि 3 स्टेप प्रोसेस के अनुसार बैन लगाया गया है। ऐसे में 95% से ज्यादा अकाउंट्स को बैन कर दिया गया, जिन्होंने स्वचालित या फिर बल्क मैसेजिंग का गलत इस्तेमाल किया था। अमरोह से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक युवती के साथ लूट और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है। दो नामजद आरोपी समेत 3 लोगों पर इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तो वहीं आरोपियों पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं। थाना देहात क्षेत्र के प्रीत विहार कॉलोनी का पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें कि इन आरोपियों ने एक महिला के साथ मारपीट की, और इस पूरे मामले में महिला की तरफ से जब थाने में तहरीर गई, उसके बाद से ही ये आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। साथ ही 2 टीमें भी गठित की गई हैं, जो लगातार इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। युवती के साथ लूटपाट और मारपीट की ये वारदात को अंजाम देकर 2 नामजद आरोपी समेत 3 पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें पुलिस को काफी समय से इन आरोपियों की तलाश थी, और इसी बीच अब पुलिस ने इन आरोपियों पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। साथ ही आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने कई टीमें भी गठित कर दी हैं और लगातार तफ्तीश जारी है। देहात क्षेत्र के प्रीत विहार कॉलोनी का मामला बताया जा रहा है। ताजा मामला एक महिला की तरफ से सामने आया है, जहां एक महिला के साथ लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, और ये आरोपी लूट करके वहां से फरार हो गए हैं। उसके बाद पुलिस ने 2 नामजद आरोपी समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है।